सुनील हूँ, प्राथमिक विद्यालय अंदावा में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और ये ZIII, श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक के सहयोग से ये जो नवाचार का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें कि शून्य निवेश, ये बहुत ही अच्छा है और धरातल के स्तर पर ये इसलिए सफल है क्योंकि इसने वाकई लोगों को अपने साथ जोड़ा है। मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले 10 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहा हूं और शुरुआती दौर में ये मेरे लिए एक आत्ममंथन का दौर था, क्योंकि मैं एक पुरानी परिपाटी के हिसाब से टीचिंग कर रहा था और रोज रोज वही परिपाटी, वही पद्धति और उसी फैशन में टीचिंग करना मेरे लिए एक बोरिंग काम था। इसलिए क्योंकि मैं खुद इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता था। सच्चाई ये है कि मैं स्वयं डिप्रेशन में चला जाता अगर ZIII, अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक का ये सहयोग ना होता तो। क्यों? क्योंकि धैर्य, एक ही चीज है बार बार चलाना, एक ही तरीके से बार बार पढ़ाना, वाकई बच्चों के लिए भी बड़ी मुश्किल हो रही थी। फिर मुझे एक प्रशिक्षण का आमंत्रण मिला। प्रशिक्षण के आमंत्रण में श्री रामकृष्ण जी, श्री सचिन जी ने हमें प्रशिक्षण दिया और वास्तव में एक सरकारी प्रशिक्षण से कुछ हटकर था वो। एक अलग तरीके से उन्होंने हमारे हमें ग्रूम किया और इस तरह से तैयार किया कि हम सरकारी विद्यालयों में किस तरह से उन बच्चों को ग्रूम करें जो बच्चे कुछ आशा लेकर हमारे पास आते हैं। मैंने कुछ अलग सोचना शुरू किया। हमने MDM के विषय में सोचा और चूंकि हमारे विद्यालय में खेल का सामान भी एक NGO ने दिया हुआ था, इसलिए उन खेल के सामान में सबसे लोकप्रिय चीज पिंग पॉन्ग बॉल यानी उछलने वाली गेंद को हमने यूज किया। उछलने वाली गेंद को चिक्की से जोड़ा और बन गया हमारा खेल तिलमिस्ता। जी हाँ, चिक्की फोड़ भी नाम से जानते हैं हम। तो ये जो चिक्की फोड़ गेम था, इस इंटरेस्टिंग गेम को सबसे कठिन चीज, कठिन सब्जेक्ट के साथ हमने जोड़ दिया। कठिन सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में भी स्थानीय मान बहुत टफ था, तो बस इसको हमने चिक्की फोड़ के साथ जोड़ दिया। और बच्चे खेल खेल में, जब भी मध्यान्ह भोजन का जो समय होता तो भोजन करने के बाद ये खेल खेल में चिक्की फोड़ खेलते, ना केवल मैथमेटिक्स, हिंदी, अंग्रेजी, बल्कि सामाजिक विज्ञान जैसे विषय भी हमने इसमें इंक्लूड किए। तो ये जो जीरो इन्वेस्टमेंट का इनोवेशन था, इसने बहुत ही ज्यादा हेल्प किया। चैलेंजेस भी निश्चित रूप से आए हमारे इनोवेशन में। लोगों को लगा कि ये खेल को सब्जेक्ट से जोड़ने का क्या मतलब है भाई, है ये अलग तरीके से डिस्टर्ब करेगा, अनुशासन में बाधा डालेगा और क्या क्या। तो सब जिसे कहता ना कि मंशा जब सही होती है, उद्देश्य आपका अच्छा होता है, पवित्र होता है और नीयत साफ होती है, तो कुछ समय तक ही बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं का जो अंतराल होता है वो थोड़े टाइम के लिए होता है। थोड़े टाइम के बाद जब लोगों ने समझा कि वाकई ये जो इंटरेस्टिंग गेम है, ये सबसे दूर चीजों, दूर सब्जेक्ट के साथ जब मेल कर दिया जाएगा तो इसका इम्पैक्ट और इसका इंटरेस्ट दोनों बढ़ जाएगा। तो बस हमने यही किया और ZIII ने और अरविंदो सोसाइटी ने और HDFC बैंक ने हमें सपोर्ट किया और आज हम यहां पर हैं कि हम इस नवाचार के ऐप से, IP ऐप से क्लासेस लगाते हैं। जहां भी कोई दिक्कत आती है उससे हम सहयोग लेते हैं और उस ऐप के ही माध्यम से जिस तरह से हम क्लासेस में इंटरेस्ट पैदा करते हैं, वाकई हमारे लिए बहुत लाभप्रद है। मैं शुक्रगुजार हूँ ZIII का, श्री अरविंदो सोसाइटी का और HDFC बैंक का, जिन्होंने ये मौका दिया कि हम अलग तरीके से सोचें, बच्चों को अलग तरीके से बांधे और विद्यालय प्रांगण को उनके लिए सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे लोकप्रिय और सबसे मनोरंजक जगह बन गए। थैंक यू सो मच।